हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूँ आरपी यादव और आज अपन बात करेंगे जो डेयरी कैटल्स होते हैं उनके इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक की। तो सबसे पहले अपन बात करें इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक की, उससे पहले एक चीज़ जान लें कि कोई भी सक्सेसफुल जो लाइव स्टॉक फार्म होता है उसका सक्सेस डिपेंड करता है कि वहाँ की जो कैटल्स हैं उनकी क्वालिटी और उनके इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक हैं वो क्या है। तो आज अपन उन्हीं करेक्टरिस्टिक पर चर्चा करेंगे कि वो जो इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक है वो किस प्रकार के होने चाहिए ताकि आपका जो लाइव स्टॉक फार्म है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट है वो हो सके। तो देखिए, अपन बात करें इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक की, तो इसमें कई प्रकार के करेक्टरिस्टिक जो है वो बताए गए हैं, जिसमें अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको पूछा जाता है कि ये जो करेक्टरिस्टिक है इनमें कितना क्या ऑप्टिमम करेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए और कितना जो लैक्टेशन पीरियड है, ठीक है, इसी प्रकार और करेक्टरिस्टिक है, तो ये सारी बातें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं कि जो इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक हैं जिसमें कई प्रकार के इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक की लिस्ट दी है जिसमें से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चूज किए हैं। देखते हैं यहाँ पे द वेरियस इकोनॉमिक करेक्टर्स इन डेयरी कैटल मैनेजमेंट आर फॉलोइंग, यानी कि अपन बात कर रहे हैं इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक की, जिसमें सबसे पहला है लैक्टेशन यील्ड। ठीक है, अब देखिए लैक्टेशन क्या होता है कि जो मिल्क जो प्रोडक्शन हो रहा है आपका, मिल्क जो अपन एनिमल्स से जो है वो निकाल रहे हैं, तो इसका यील्ड है वो कितना है। तो ये आपका एक मेन फीचर्स हो गया, मेन करेक्टरिस्टिक हो गया कि आपका अगर लैक्टेशन यील्ड जो है ज़्यादा है बेसिकली, तो जो एनिमल है उसकी क्या होगी, प्राइस भी क्या होगी, हाई होगी। और जो आपका यील्ड है उसको अगर आप मार्केट में सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। इसी प्रकार बात करें लैक्टेशन पीरियड की, ये तो क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे बात करें कोई जो काउ है वो 20 लीटर जो है वो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, तो ये क्या हो गया, इसकी लैक्टेशन की यील्ड हो गई। इसी प्रकार अपन बात करें जो टोटल इसकी टोटल जो पीरियड है उसको बोलेंगे अपन लैक्टेशन पीरियड, और उसमें कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे अपन बात करें जो इंडिजीनियस जो काउस होती है उनका लैक्टेशन जो यील्ड होता है वो कम होता है, और अपन बात करें जो एग्जोटिक ब्रीड है होलस्टीन फ्रीजियन वगैरह है, ठीक है, तो उनका लैक्टेशन जो यील्ड है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी प्रकार बात करें अपन लैक्टेशन पीरियड का, तो जो नंबर ऑफ डेज होते हैं जिसमें अपन मिल्किंग कर रहे हैं तो वो कितने हैं, तो उसके बारे में अपन इसमें बात करेंगे। इसी प्रकार प्रसिस्टेंसी ऑफ यील्ड, जो मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कब होता है और वो कितने दिनों तक जो है अपन मैक्सिमम जो पीक पीरियड इसको बोलते हैं वो अपन ले पाते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रसिस्टेंसी ऑफ यील्ड। आगे अपन डिटेल में देखेंगे। अभी एज ऑफ फर्स्ट काविंग, देखिए काविंग जो होती है फर्स्ट जब बच्चा जन्म लेता है तो वो उस टाइम जो फीमेल है उसकी एज है वो क्या होनी चाहिए, और कम या ज़्यादा एज होने के क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं उसकी अपन बात करेंगे। इसी प्रकार बात करें अपन सर्विस पीरियड, तो जो मैटिंग अपन करवा रहे हैं, अपने ब्रीडिंग में पढ़ा था कि मेल और फीमेल का जो अपन मैटिंग करवा रहे हैं तो मैटिंग के कितने दिन बाद में उसने जो गर्भ है उसको धारण किया है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन सर्विस पीरियड। तो ये अप्रोप्रिएट कितना होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में आता है आपका ड्राई पीरियड। ड्राई पीरियड से मतलब है कि जो काविंग होती है उसके जस्ट बाद में क्या होता है, मिल्किंग स्टार्ट होती है, तो जो काविंग हो रही है उसके नेक्स्ट जो लैक्टेशन पीरियड है वो एंड जब होगा उसके बाद में कितने दिन बाद में उसमें दोबारा से काविंग होती है, तो ये जो बीच का जो गैप है उसको क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, ड्राई पीरियड। तो ये ड्राई पीरियड कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार अपन बात करें इंटरकाविंग पीरियड। इंटरकाविंग का मतलब है कि जो दो काविंग हो रही है उनके बीच में कितना पीरियड है, वो टाइम जो है वो लग रहा है, उसको बोल रहे हैं अपन इंटरकाविंग, यानी कि दो काविंग जो होगी उनके बीच का गैप वो कितना होना चाहिए। इसके बाद में है रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी, जो अपन फीमेल है वो रिप्रोडक्शन जो करेगी तो कितना इफिशियंटली जो है गर्भ को धारण करती है, और उसके बाद में काविंग जो है वो होती है, कितना सक्सेसफुल उसका जीवन काल रहता है। इसी प्रकार बात करें एफिशिएंसी ऑफ फीड यूटिलाइजेशन। कई जानवर क्या होते हैं कि जो फीड है वो ज़्यादा खाते हैं लेकिन यील्ड जो है
वो उतना सफिशियंट अमाउंट में या ऑप्टिमम अमाउंट में नहीं कर पाते हैं, जबकि कई एनिमल्स जो है वो फीड कम यूज़ करते हैं और जो यील्ड है उनका एज कम्पेयर टू ज़्यादा होता है। इसी प्रकार बात करें डिजीज रेसिस्टेंस, तो डिजीज रेसिस्टेंस से मतलब है कि किसी भी डिजीज को किसी भी डिजीज से क्या करना, उससे लड़ना। तो वो एफिशिएंसी कितनी होती है, कितना रेसिस्टेंस पावर होता है, जैसे कि अपन बात करें जो आपकी इंडियन ब्रीड्स होती है कैटल्स की, तो उनमें रेसिस्टेंस पावर ज़्यादा होता है, इम्यून सिस्टम है वो वेल डेवलप होता है। तो ये सारे क्या हो गए, इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक। अब देखते हैं अपन इकोनॉमिक जो करेक्टरिस्टिक है, टैन जो अपन ने डिस्कस की है, इनका डिटेल में, यानी कि ऑप्टिमम कितना होना चाहिए, जिसमें अपन लैक्टेशन पीरियड है, सर्विस पीरियड है, काविंग जो है उसका फर्स्ट काविंग का अप्रोप्रिएट टाइम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे लैक्टेशन यील्ड का। तो लैक्टेशन यील्ड का मतलब होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जो काविंग के बाद में जो फीमेल होती है, तो उससे जो लैक्टेशन प्राप्त होता है, लैक्टेशन मिल रहा है, मिल्क जो आपको मिल रहा है, तो वो कितना मिल रहा है उसकी टोटल काविंग पीरियड में, या लैक्टेशन पीरियड जिसको बोलते हैं। तो इसमें यही दे रखा है, यहां पे बात करें द लैक्टेशन यील्ड पीरियड इज नॉन एज लैक्टेशन यील्ड, यानी कि बात करें कि जो टोटल उसकी लैक्टेशन यील्ड होती है, जो पीरियड होता है, उसमें कितना यील्ड हो रहा है एनिमल से, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, लैक्टेशन यील्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात करें अपन जो काविंग जो हुई है, उसके तुरंत बाद से उसने दूध देना है, वो स्टार्ट किया, मिल्किंग स्टार्ट की, और उसने जैसे कि मान लो 7 महीने या 6 महीने जो है वो दूध दिया, और एक टाइम का वो 5 लीटर 10 लीटर जो भी दे रही है, तो उस लैक्टेशन जो पीरियड है उसकी टोटल यील्ड कितनी है। तो फॉर एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं, जैसे कि मान लो कि 2000 लीटर है उसने पूरी लैक्टेशन पीरियड में है वो मिल्क जो है प्रोड्यूस किया, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, लैक्टेशन यील्ड। यानी कि कहने का मतलब सीधा सिंपल में कि जितने दिन वो दूध दे रही है कोई भी एनिमल, तो उसका टोटल अमाउंट कितना है, टोटल उसका यील्ड है वो कितना होता है पूरे लाइफ साइकिल में उसके लैक्टेशन पीरियड में, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लैक्टेशन यील्ड। अब देखते हैं, बात करें यहाँ पे जो लैक्टेशन यील्ड जो होती है वो डिपेंड करती है आपके एनिमल टू एनिमल। अब इसमें कुछ बातें हो सकती है कि नंबर ऑफ काविंग, अगर जो है अपन देखते हैं स्टार्टिंग की जो काविंग होती है, फर्स्ट काविंग होती है, सेकंड काविंग होती है, तो उसमें लैक्टेशन जो यील्ड होता है वो कम होता है। उसके बाद में बात करें अपन 3 to 5 जो लैक्टेशन ऑपरियड होता है उसमें मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और उसके बाद में क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, घटने लग जाता है। तो लैक्टेशन यील्ड जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ काविंग की, कितनी बार उस फीमेल ने काविंग दिया है। उसी प्रकार बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ मिल्किंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिल्किंग पे डिपेंड करता है कितना अपन इफिशियंटली जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ले पा रहे हैं, कितना दूध है निकाल पा रहे हैं। कि अपन एवरेज बात करें 5 to 7 मिनट्स में जो है टोटल मिल्क है वो निकाल लेना चाहिए, मिल्किंग की जो प्रोसेस है वो कर लेनी चाहिए। इसके बाद में अगर अपन टाइम ज़्यादा लगाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो जो आपका मिल्क का जो यील्ड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसी प्रकार बात करें प्रसिस्टेंसी ऑफ यील्ड, यानी जो मैक्सिमम अमाउंट होता है मिल्क का, जो हाईएस्ट पीरियड होता है, पीक पीरियड जिसको बोलता है, वो कितने दिन तक अपन जो है उससे ले पा रहे हैं, उसको बैलेंस करके अपन चल रहे हैं, तो उसको अपन बोल रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है आपका लैक्टेशन यील्ड। इसी प्रकार बात करें अपन तो डेयरी कैटल जो होते हैं उसमें क्या होता है, 30 से 40% जो मिल्क है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है। और इंक्रीज जो हो रहा है वो कब हो रहा है, फ्रॉम फर्स्ट लैक्टेशन टू मैच्योरिटी ऑफ ऑब्जर्व, यानी कि फर्स्ट लैक्टेशन होता है उसके बाद में क्या हो रहा है कि एवरेज जो उसका मिल्क प्रोडक्शन है उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसमें बात करें अपन 3 से 4 लैक्टेशन पीरियड जो होते हैं, 3 से 4 लैक्टेशन है उसके बाद उस तक तो क्या हो रहा है, लगातार है वो बढ़ रहा है। कहने का मतलब जो फर्स्ट लैक्टेशन होगा, फर्स्ट काविंग होगी, उस पीरियड में जो यील्ड है वो लैक्टेशन की यील्ड जो कम होगी, सेकंड में ज़्यादा होगी, ठीक है। और उसके बाद में अपन बात करें 3 से 4 जो लैक्टेशन होंगे उसके बाद में क्या होगा कि वो लैक्टेशन का जो यील्ड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये स्वाभाविक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यील्ड पर डे विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है,
जो पार्सुरेशन जो होता है, प्रसव जो होता है, उसके बाद में अपन बात करें फर्स्ट डे पार्सुरेशन के, उसके बाद में सेकंड डे, थर्ड डे, तो धीरे धीरे क्या होता है लैक्टेशन यील्ड है वो बढ़ रही है और उसके बाद में क्या होता है एक मैक्सिमम लेवल पे चली जाती है। जैसे कि अपन बात करें काविंग जो हुई है, तो काविंग वाले दिन जो है 2 से 2.5 लीटर, उसके बाद में 3, 4, 5 जो भी है, तो मैक्सिमम जो लेवल अचीव होता है वो कब होता है 2 से 4 वीक बाद में, यानी काविंग के 2 से 4 वीक बाद में मैक्सिमम जो दूध देता है एनिमल उसका पता अपने को चलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि काविंग के बाद में मैक्सिमम जो पॉइंट होता है मिल्किंग का, जिसमें अपने को पता चलता है कि ये जो एनिमल है इससे इतना लीटर दूध पर डे आपको मिल रहा है, तो वो पता कब चल रहा है 2 से 4 वीक बाद में काविंग के। ठीक है, और इस यील्ड को क्या बोलते हैं, पीक यील्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया। काविंग के बाद में मिल्किंग अपन लगातार ले रहे हैं, एक पीरियड ऐसा आएगा जिसमें आपको मैक्सिमम लेवल पे जो 20 लीटर 30 लीटर जो आप बताते हैं, तो वो कब देखा जाता है 2 से 4 वीक बाद में, और उस पीरियड को क्या बोलते हैं अपन, पीक यील्ड। ठीक है, अब बात करें अपन पीक यील्ड की, तो जो इंडियन ब्रीड्स होते हैं, इंडियन ब्रीड जो होती है उसमें क्या होता है लो होता है, उसमें क्या होता है लो होता है, क्योंकि अपन बात करें एग्जोटिक ब्रीड्स की, उसके कंपैरिजन में मिल्किंग की जो यील्ड है वो क्या होती है कम होती है। सेकंड अपन बात करें लैक्टेशन पीरियड की, जो अपन मिल्किंग ले रहे हैं लगातार वो कितने दिन तक या कितने दिन तक पर डे जो है मिल्किंग जो है होता है उसको बोल रहे हैं अपन लैक्टेशन पीरियड। अब बात करें, देखिए लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, लेंथ ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग पीरियड, यानी कि कितने दिन तक दूध है पर निकाल रहे हैं आफ्टर काविंग इज नॉन एज लैक्टेशन पीरियड, और ये ऑप्टिमम कब कितना होता है 305 डे। ठीक है, यानी कि 365 डे जो होते हैं उसमें लगभग 305 डे जो होते हैं उसमें क्या होता है पर डे अपन मिल्किंग एनिमल से लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं अपन लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड जो होता है वो आपके जो एग्जोटिक ब्रीड है उसमें ज़्यादा होता है, उसमें लैक्टेशन पीरियड जो है वो 305 से अबव हो सकता है, लगभग 310 या 320 दिन तक भी हो सकता है, लेकिन अपन बात करें हैं यहाँ पे ऑप्टिमम लैक्टेशन पीरियड की। और ये लैक्टेशन पीरियड को छोटा करने के लिए अपन क्या करते हैं, अगर अपन बात करें यहाँ पे टोटल जो डेज होते हैं 365, अगर 365 डेज अपन कंटिन्यू मिल्किंग करते हैं तो नेक्स्ट जो लैक्टेशन पीरियड होगा तो उसमें मिल्क की जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज जाएगी, इसलिए अपन क्या देते हैं लगभग 60 डेज का क्या देते हैं गैप देते हैं, अपन मिल्किंग है वो नहीं लेते हैं, यानी मिल्क प्रोडक्शन है मिल्किंग अपन करना स्टॉप कर देते हैं, और इस पीरियड को क्या बोलते हैं अपन ड्राई पीरियड, जो अपन आगे देखेंगे। तो मिल्किंग का जो स्टॉप करना है उसको क्या बोल रहे हैं अपन ड्राई पीरियड, तो अपन 305 दिन तक ही अपन क्या ले रहे हैं मिल्किंग ले रहे हैं। उसके बाद में बात करें अपन प्रिसिस्टेंस ऑफ मिल्क यील्ड, तो लैक्टेशन जो होता है उसमें अपन बात करें, अपन ने बात की कि 2 से 4 वीक होता है, उसमें क्या होता है मिल्किंग का जो लेवल होता है अमाउंट होता है वो क्या होता है मैक्सिमम होता है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन पीक पीरियड, और ये पीक पीरियड कितने दिन तक मेंटेन रह पाता है, जैसे कि अपन बात करें 2 से 4 वीक से स्टार्ट हो रहा है और ये लगातार 7 महीने 8 महीने है वो चल रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन प्रिसिस्टेंस ऑफ मिल्क यील्ड। तो ये डिपेंड करता है कि जो एनिमल है उसको अपन राशन कितना दे रहे हैं, उसको फीड अगर प्रॉपर करवा रहे हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा जो फीड है वो कंज्यूम करेगा और वो कोशिश करेगा उसको मिल्क में कन्वर्ट करने की। अगर अपन काविंग के बाद में ये जो पीरियड होगा उसके बाद में जैसे मिल्किंग स्टार्ट होती है उसके कुछ दिन बाद में अपन उसको एक्स्ट्रा अगर फीड करवाते हैं तो आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, और अगर अपन बात करें कि उसको अगर प्रॉपर राशन नहीं मिल पाता है तो जो आपका मिल्क प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन प्रिसिस्टेंसी। ठीक है, अब बात करते हैं एज ऑफ काविंग, एज ऑफ फर्स्ट काविंग,
एज ऑफ फर्स्ट कमिंग जो है उसका मतलब होता है कि जो फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट होने के बाद में जो काफ है उसको जन्म देती है, तो उस टाइम उसकी एज क्या होनी चाहिए। तो अपन बात करें मैच्योरिटी जो होती है या प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं, जिसमें अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं, बफेलो में अलग होगा, काऊ में अलग अलग होगा। तो इसमें बात करें अपन जो 2.5 to 3 ईयर जो होता है उसमें क्या होता है, आपका जो बफेलो है या जो काऊ है उसमें क्या होती है, प्यूबर्टी आती है। अब ये प्यूबर्टी आई है उसके बाद में क्या करवाते हैं अपन, उसकी मैटिंग करवाते हैं, और मैटिंग के बाद में उसको जो गर्भ है उसको धारण किया है, और उसके बाद में यानी गेस्टेशन पीरियड है उसको कंप्लीट करने के बाद में वो बच्चे को जन्म दे रही है। तो इसमें जो उस टाइम मैटिंग के बाद में क्या होगा, उसने गर्भ है उसको धारण किया, और जैसे कि अपन बात करें अगर काऊ है तो 280 और आपका जो बफेलो है तो 310 दिन बाद में, ठीक है, इतने दिन बाद में उसकी एज जो होती है, उसकी एज जो होती है वो क्या होती है, फर्स्ट काविंग की एज होती है, ठीक है। यानी कि प्यूबर्टी जो होती है मेटिंग के लिए रेडी जो फीमेल होती है उसमें मेटिंग होने के बाद में उसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो कंप्लीट होने के बाद में जो फर्स्ट काविंग होगी उस डेज में उसकी एज क्या होगी, उसको क्या बोलते हैं अपन, एज एट फर्स्ट काविंग। अब देखिए अपन बात करें यहाँ पे अगर कोई फीमेल लेट है वो मैच्योर हो रही है तो उसमें क्या होगा, जो काविंग का जो टाइम है या काविंग की जो एज है वो क्या होगी, लेट होगी। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होगा वो तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि किसी भी फीमेल का अगर जो एज ऑफ काविंग है, एज ऑफ काविंग है फर्स्ट काविंग, वो अगर लॉन्ग है, लंबा पीरियड है, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर अपन बात करें टोटल नंबर ऑफ काविंग तो वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इस कारण क्या होगा, लाइव स्टॉक को नुकसान होगा, उसमें प्रोडक्शन है, नंबर ऑफ काविंग रिड्यूस होने के कारण प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अब इसमें बात करते हैं अपन, तो इसमें अगर अपन बात करें तो इंडियन ब्रीड जो होती है उसमें 3 माह जो ईयर होता है उसमें फर्स्ट काविंग होती है। जैसे कि अपन ने बात की क्रॉस ब्रीड्स, केटल्स और जो बफेलो है उसमें लगभग 3.5 यानी कि 3.5 ईयर बाद में फर्स्ट काविंग होती है। ये क्वेश्चन आया है आपके IBPS SO में, पिछली बार जो है आपके IBPS SO में क्वेश्चन पूछा गया कि जो बफेलो होती है उसकी फर्स्ट काविंग की एज है वो कितनी होती है और कितनी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे ईयर में दे रखा है, अगर इसको मंथ्स में अपन कन्वर्ट करें तो मंथ्स में और ईयर में आपको दोनों को याद रखना है। अब आपको ये तो पता है कि एक जो ईयर होता है उसमें 12 मंथ जो है वो होते हैं, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो आप वहाँ पे अगर मंथ्स में आए, ईयर में आए कि फर्स्ट काविंग की एज क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, ये तो क्या हो गई, एक्जोटिक ब्रीड जो होती है या क्रॉस ब्रीड जो होती है उनकी, और यहाँ पे बात कर रहे हैं ये अपने काऊ की। तो इसमें क्या हो गया, लगभग 36 3 ईयर्स तो है इंडियन ब्रीड्स में और 2 ईयर्स हैं यहाँ पे क्रॉस ब्रीड में, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे बात करें अपन, लगभग 36 मंथ्स हैं फर्स्ट काविंग होती है आपकी जो इंडियन काऊ होती है। इसी प्रकार बात करें 24 मंथ्स जो है वो होते हैं आपके क्रॉस ब्रीड जो होती है उसमें, और इसी प्रकार अपन बात करें तो 36 प्लस 6, ठीक है, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 42 मंथ्स। तो 36 से 42 इसको मान सकते हैं। तो ये क्या होती है, फर्स्ट काविंग की एज होती है जो IBPS SO में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं कि फर्स्ट काविंग जो होती है उसका जो टाइम है वो कितना होना चाहिए। अब देखिए यहां पे बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि अगर काविंग पीरियड है, काविंग की एज है वो ज़्यादा लंबी होती है, तो क्या होता है, प्रोडक्शन है वो हाई होता है फर्स्ट लैक्टेशन में। लेकिन अगर अपन बात करें जो नंबर ऑफ काविंग है वो रिड्यूस जाते हैं, तो इस कारण क्या होता है आपके प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, और अगर लैक्टेशन
जो काविंग पीरियड है वो अगर शॉर्ट है तो उससे क्या क्या हो सकता है कि जो काफ होंगे वो कैसे होंगे, वीक होंगे, डिफिकल्टी इन काउ होगी और लेस मिल्क प्रोडक्शन इन फर्स्ट लैक्टेशन, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके बाद में बात करें अपन सर्विस पीरियड का, तो सर्विस पीरियड का बात करें तो अपन ने बताया जैसे कि द पीरियड बिटवीन डेट ऑफ काविंग, जो काविंग हो रही है वो, और जो डेट ऑफ सक्सेसफुल कॉन्सेप्शन यानी कि उसने जो गर्भ धारण किया है उस दिन से काविंग के बीच में जो टाइम होता है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सर्विस पीरियड हो रहा है बोलते हैं। और ये कितना होना चाहिए, 60 to 90 days है वो होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्विस पीरियड है वो कितना होना चाहिए, तो 60 to 90 days जो है वो होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में बात करें अपन ड्राई पीरियड, जैसा कि अपन ने बात की कि जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो अगर लंबा होता है तो नेक्स्ट जो लैक्टेशन होगा, नेक्स्ट जो लैक्टेशन पीरियड होगा उसमें जो यील्ड हो रही है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, कुछ दिन मिल्किंग है वो स्टॉप कर देते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ड्राई पीरियड। अब देखिए यहाँ पे बात करें, इट इज़ द टाइम फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग क्या होती है, स्टॉप मिल्क प्रोडक्शन टू नेक्स्ट काविंग। ठीक है, जो फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट होने के बाद में जब काविंग होने वाली होती है तो उससे पहले अपन क्या कर देते हैं, अपन 1 से 2 months जो होते हैं उसकी काविंग में रिमेनिंग, जैसे कि अपन बात करें काउ में तो अप्रोक्स 7 months जो होते हैं तो उस टाइम तक अपन क्या करते हैं, मिल्किंग लेते हैं, उसके बाद में मिल्किंग स्टॉप कर देंगे। अगर अपन कंटिन्यू 9 months तक उसमें 9 months कंप्लीट होने तक अगर अपन मिल्किंग करते हैं तो नेक्स्ट जो लैक्टेशन पीरियड होगा उसमें क्या होगा, उसमें मिल्क प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा अपन बात करें तो उसकी जो बॉडी है उसमें कैल्शियम है उसकी क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी और वो जो मिल्क फीवर होता है उससे क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, तो ए मिनिमम ऑफ 2 to 2.5 months ड्राई पीरियड इज शुड बी अलाउड, यानी लगभग अपन बात करें 2 से 2.5 months। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, आपके ड्राई पीरियड होना चाहिए जिसमें अपन मिल्किंग नहीं करते हैं। इसी प्रकार अपन बात करें इंटरकाविंग पीरियड, तो इंटरकाविंग पीरियड का मतलब होता है कि दो काविंग जो हो रही है उसके बीच में कितना गैप अपन रख रहे हैं। अगर कम गैप रख रहे हैं तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ जो काविंग है वो क्या होंगी, ज़्यादा होगी और आपको प्रोडक्शन है वो क्या मिलेगा, ज़्यादा। लेकिन अगर अपन नंबर ऑफ काविंग ज़्यादा लेते हैं, कम गैप रखते हैं, इंटरकाविंग जो पीरियड है वो कम गैप रखते हैं, तो जो काफ होंगे वो कमज़ोर होंगे, वीक होंगे और एनिमल जो है वो भी कमज़ोर हो सकता है। देखते हैं इसमें, तो इसमें बात करें अपन पीरियड बिटवीन टू सक्सेसफुल काविंग, जो काविंग हो रही है उसके बीच में कितना गैप अपन रख रहे हैं, तो लगभग अपन बात करें काउ में तो उसमें गैप रहता है 1 month 1 year का, और अपन बात करें आपका जो बफेलो होता है उसमें लगभग 1.5 year यानी कि 15 months के लगभग उसमें क्या रखते हैं अपन गैप। तो यहाँ पे दे रखा है 1 yearly काफ जो कैटल होते हैं उनके बीच में रखते हैं एंड 1 calf एवरी बफेलो जो है उसमें 15 months का अपन गैप रख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार बात करें अपन जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, उसमें अपन ने बात की कि कितना इफिशिएंटली वो रिप्रोड्यूस और रिप्रोडक्शन जो है उसका सक्सेसफुल रहा है, जिसमें कितना उसने काविंग की है, कितना उसने जो है सर्विस पीरियड है रहा है, काविंग इंटरवेल है, डेज फ्रॉम फर्स्ट ब्रीडिंग टू जो कॉन्सेप्शन है कितना इफिशियंटली। कभी कभी हो जाता है कि उसमें मेटिंग के बाद में काविंग सॉरी जो कंसेप्शन है गर्भ धारण है वो नहीं हो पाता है, तो ये डिपेंड करता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी पे। उसके बाद में बात करें एफिशिएंसी ऑफ फीड यूटिलाइजेशन और टर्न इनटू मिल्क प्रोडक्शन, यानी कहने का मतलब जैसे कि अपन स्टार्टिंग में बात की कि जो फीड अपन खिला रहे हैं तो उसके एवरेज में उसके तुलना में अपने को कितना प्रोडक्शन है वो मिल रहा है।
अगर अपन बात करें कोई एनिमल ज़्यादा अगर फीडिंग कर रहा है और वो प्रोडक्शन है वो कम दे रहा है, तो वो आपका जो लाइव स्टॉक है उसके लिए डिजायरेबल नहीं होता है। तो अपन जो इफ़िशियंटली यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को प्रोडक्शन दे, ऐसे एनिमल अपन चूज़ करते हैं। उसके बाद में बात करें डिजीज़ रेसिस्टेंस की, तो डिजीज़ रेसिस्टेंस की अपन ने बात की कि किसी भी एनिमल में अगर डिजीज़ के प्रति रेसिस्टेंस है तो वो एनिमल अपन ज़्यादा चूज़ करते हैं। लेकिन अपन बात करें जिनमें हाई मिल्क प्रोडक्शन होता है, उनमें कई प्रकार के जो डिजीज़ है वो होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इन ब्रीडिंग जो है उससे अपन जो आपका प्रॉफिट है उसको बढ़ाने के लिए आप उसको फिनोटिपिकली है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी भी एनिमल को। लेकिन अगर हम बात करें उसमें जो इम्यून सिस्टम का तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको बढ़ाने के लिए अपन क्या करवाते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। देखिए अपन बात करें इन ब्रीडिंग, तो इन ब्रीडिंग का जब अपन पढ़े थे उसमें अपन ने बात की थी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है उसमें कई प्रकार के जो एनिमल है उसमें प्रॉब्लम्स है अपने को देखने को मिलती है, जिसमें अपन डिजी रेसिस्टेंस है वो कम हो जाता है, यानी इम्यून सिस्टम है वो कम हो जाता है। और जो इन ब्रीडिंग है वो होमोजेनिसिटी है उसको इंक्रीज करता है, और हेट्रोजेनिसिटी है वो जितना ज़्यादा रहेगा तो आपका जो एनिमल है वो उतना ही क्या रहेगा, डिजीज रेसिस्टेंस रहेगा, या एनवायरमेंटल जो फैक्टर है उनसे लड़ने की जो कैपेसिटी है उसका सारा सिस्टम वेल रहता है। तो ये सारी चीज़ें अपन इसमें इकोनॉमिक जो करेक्टरिस्टिक है वो देखते हैं किसी भी सक्सेसफुल लाइव स्टॉक के लिए अपन एनिमल चूज करने से पहले। तो ये इसमें अपन ने बात की मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की। तो मेरे उम्मीद के हिसाब से आपको ये चैप्टर यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।